आज हम आपको लिए चलते हैं द्रोण शिववाड़ी हिमाचल प्रदेश। कहाँ है द्रोण शिववाड़ी, अर्थ ही है कल्याण, कहाँ होता है जंगल में मंगल, सदा सर्वदा कल्याण। आइए जानिए नमस्ते द्रोण शिव मंदिर, जिसे शिववाड़ी भी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। कब देते हैं बाल शिव दर्शन और कहाँ देते हैं बाल शिव दर्शन, आइए देखते हैं। ऊना जिले के गगरेट में अम्बोटा गांव में स्थित शिववाड़ी या द्रोण शिव मंदिर है, जो कि बहुत खास माना जाता है। शिव का अर्थ भी है कल्याण, यानी शिव का नाम सदा सर्वदा कल्याणकारी है। नमस्ते सुरप्रिया धारम, नमस्ते। ऊना जिले के गगरेट में अम्बोटा गांव में स्थित शिववाड़ी या द्रोण शिव मंदिर है, जो कि बहुत कुछ खास माना जाता है। मंदिर के पुजारी के पूर्वजों के अनुसार जो क्षेत्र जंगल से ढका हुआ है, कभी द्रोणाचार्य नगरी हुआ करती थी। वो रोज यहाँ स्वाई नदी में स्नान किया करते थे और शाम को हिमालय पर भगवान शिव की पूजा करने जाते थे। द्रोणाचार्य की एक पुत्री यज्ञति थी। एक बार यज्ञति गुरु द्रोणाचार्य से पूछती है कि वो रोज कहाँ जाते हैं और उनके साथ चलने का आग्रह करती है। इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए आपको एक और अद्भुत बात बताते हैं। शिववाड़ी मंदिर के बाहर जिनके घर नहीं बने होते, वो इच्छा भगवान भोले शंकर के सामने रखते हैं। देखिए किस तरह से ईंटों और पत्थरों के घर बना करके वो भगवान भोले शंकर को अरदास लगाते हैं कि उनका घर बन जाए। हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तु। आइए अब आगे की कहानी। नमस्तुभ्यं महा। गुरु द्रोणाचार्य उसे एक दिन अपने साथ ले जाने का वचन देते हैं, लेकिन तब तक वो उसे बीज मंत्र ओम नमः शिवाय के साथ शिव जी की पूजा करने को कहते हैं और वह बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा आरंभ कर देती है। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वो उसके पास एक बालक के रूप में सामने आते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। यज्ञति ने जब यह बात अपने पिता को बताई कि रोज एक जटाधारी युवक आकर उसके साथ खेलता है और अगले दिन द्रोणाचार्य जी उस रहस्यमयी बालक को खोजने का निश्चय कर लेते हैं। अगले दिन वो जल्दी वापिस आ जाते हैं और देखते हैं कि स्वयं भगवान शिव उनकी बेटी के साथ खेल रहे हैं। द्रोणाचार्य जी झुक जाते हैं और इस लीला के बारे में बताने की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनको बच्चे ने बुलाया है तो उन्हें आना ही पड़ा। यह देखकर यज्ञति भगवान से हमेशा उसके साथ रहने का आग्रह करती है। भगवान कहते हैं कि वैसे तो वह सर्वत्र विद्यमान है और जब भी उनको कोई पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बुलाता है तो वह अवश्य आते हैं, लेकिन फिर भी वह हर साल इसी समय
वो यहाँ आया करेंगे और उस स्थान पर उनका वास रहेगा। गुरु द्रोण ने एक पिंडी बनाई और भगवान शिव उसमें अदृश्य हो गए। यह वैसाखी के बाद दूसरा शनिवार था और मान्यता है कि इसी दिन यहाँ आने वाले की हर इच्छा पूरी हो जाती है। शिव का अर्थ भी है कल्याण, यानी शिव का नाम सदा सर्वदा कल्याणकारी है। नमस्ते सुर प्रिया धारम, नमस्ते युग सृजन हारम, नमस्ते सुर प्रिया धारम, नमस्ते युग सृजन हारम। उमानाथम उमानाथम नमस्तुभ्यं, हे बागेश्वर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभु।